रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं इकबाल के फलसफे खुशी और बहुत सारी इस्लामी फिक्रों के पढ़े थोड़ा सा। बच्चों के लिए उन्होंने जो मंजूमत लिखी है, बच्चों के लिए जो मंजूमत उन्होंने तहरीर की, उनको अगर बच्चों की नफसियात और बच्चों की उम्र के और ज़हनी इस्तेदाद की उनकी इस्तेदाद के नज़रिए से मत देखा जाए तो हमें उनके इब्तदाई दौर अल्लामा इकबाल साहब के इब्तदाई दौर में उन्होंने 1901 से लेकर 1905 तक नज़में वगैरह लिखी है, उसमें बच्चों के लायक दिलचस्प और कहना चाहिए कि शेख सादी के तौर पर शेख सादी की हिकायत के नज़रिए से देखें या पंचतंत्र की कहानियों के नज़रिए से देखें तो जिस तरह बच्चों को शेख सादी साहब और पंचतंत्र की कहानियाँ मुख्तलिफ जानवर और वज़ाहिर कुदरत के जरिए बच्चों को दर्श दिया गया, वैसे ही अल्लामा इकबाल ने अपनी मंजूमात में छोटे छोटे जानवर और पहाड़ परिंदे उनके ज़रिए दर्श पहुँचाने की कोशिश की है। उनके मंजूमात में एक मकड़ा और मक्खी है, उसके अलावा गाय और बकरी है, एक पहाड़ और गिलहरी है और हमदर्दी के हिसाब से गुमान से एक गर्म है, उसमें बुलबुल और एक गिल्लियों का जिक्र है। इन अनासिर से कुदरती अनासिर से उन्होंने बच्चों के लिए दर्स और हिकायात हमतें छोटे छोटे वाक़ात की शक्लों की जो कि लायक तहसीन है और आज भी उनकी अहमियत कम नहीं है बल्कि और ज़्यादा अहमियत की आने लगे इस दौर में। तो इनका इनको बच्चों को और पढ़ाना चाहिए और तफसीर से मुख्तलिफ नज़रियात मद्देनज़र रखते इस्लामी फिक्र हो चाहे एजाजिर से साइंसी दौर हो तो बच्चों को बड़े भी दर्श दिए जा सकते हैं। सब बातों को मैंने जो दर्श पहुँचाए वो बड़ा ही अंग्रेज क्या।